الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام दरसे सीरत के ताल्लुक से हमारा जो ये प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा है, अल्लाह का फजल और अल्लाह का एहसान है कि अब तक हमारे सामने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी का जो इब्तिदाई वाकियात का सिलसिला है वो बहुत सारा हमारे सामने आया है। और आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सफ़र मेराज का वाकिया था, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते मैंने अर्ज़ किया था आपके सामने के दरमियान में चूँकि ये माहे मुहर्रमुल हराम आया और इसके ताल्लुक से हमारे लिए बड़ी अहम हिदायत शरीयत ने और इस्लाम ने हमें अता फरमाई, और जैसा ये आज़मत और बरकत वाला महीना उसी तरह से इस महीने के बारे में बड़ी सारी गलत फहमियाँ हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं, तो अल्लाह के फजल व करम से उन तमाम बातों की वजाहत भी हुई है आपके सामने। और इस माह मुबारक से जिस एक ख़ास जमात का बड़ा ताल्लुक है उसका तारुफ भी गुज़िश्ता हफ्ते आप हजरात के सामने करा दिया गया। आप सारे के सारे वाकिफ हो चुके हैं कि शीयत जो मज़हब और फ़िरका है इसकी बुनियाद क्या थी और कहाँ से इसका आगाज़ हुआ और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है। अब जो आज का हमारा दर्स है इसमें सबसे बुनियादी तौर पर हज़रत हुसैन रदी अल्लाहु ताला अन्हु के जो कत्ल का वाक़िया इस माह मुबारक में पेश आया उस वाक़िए का ज़िक्र करेंगे, और जो सही तारीख़ है इस वाक़िए की और रिवायात में तज़किरा है वो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने अर्ज़ करूँगा। हज़रत हुसैन रदी अल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और कत्ल का जो वाक़िया मुहर्रमुल हराम के महीने में पेश आया ये अपनी नौईयत का और अपने जिस कैफियत का ये वाक़िया है बिल्कुल उस एतबार से मुनफरिद वाक़िया है। और हम और आप इस बात पे ज़रा गौर फरमाएं कि ये मुहर्रम इस्लामी महीनों के एतबार से सबसे पहला महीना है, सबसे पहला महीना है। इस्लामी महीनों की शुरुआत इस माह मुहर्रमुल हराम से होती है, उसका पहला महीना बिल्कुल मुहर्रमुल हराम है। और अल्लाह ने इसको काबिले एहतराम बहुत पहले से बनाया है, यानी ऐसा नहीं है कि हज़रत हुसैन की शहादत इस महीने में हुई है इसलिए ये महीना बड़ी आज़मत और बरकत वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। हज़रत हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु की शहादत से पहले ही ये महीना बड़ा काबिले एहतराम था, और इसका जो मकाम और मर्तबा है वो बड़ा अजीम शान है। अल्लाह ने इसको जो बग़ैर हज़रत हुसैन की शहादत के मकाम अता फरमाया,
बल्कि मैं तो एक बात ये कहा करता हूँ कि मुहर्रमुल हराम की फजीलत इसलिए नहीं है कि हजरत हुसैन की शहादत मुहर्रम में हुई, बल्कि ये कहना चाहिए कि हजरत हुसैन के लिए ये खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह ने उन्हें मुहर्रम के महीने में शहादत अता फरमा दी। ये महीना खुद अपनी जात के एतबार से बड़ा काबिल एहतराम है और बड़ा ऊंचा मकाम है मुहर्रमुल हराम का। और बहरहाल उसमें ये अजीम शान वाकिया भी पेश आया जिसका तस्किरा हमारे यहाँ जगह जगह पर होता है कि मुहर्रम में हमारे आका सरवरे दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत हुसैन की शहादत हुई है। ये वाकिया भी पेश आया। अभी ये वाकिया है कैसे और किस अंदाज में और कैसे पेश आया, यहां हमें और आपको अब इस वाकिए को समझने से पहले इस्लाम की जो बिल्कुल शुरू की तारीख है जरा उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हजरत हुसैन का कत्ल हो जाना और शहीद हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है कि इत्तेफाक से वैसे ही कहीं लड़ाई हुई और हजरत हुसैन शहीद हो गए। ये बहुत बड़ा वाकिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सगी नवासे हैं, हजरत अली के साहबजादे हैं और फिर इतनी बाबरकत हस्ती का मुसलमानों के हाथों से कत्ल होना। जो इनको कत्ल करने वाले हैं वो चाहे हकीकत में कुछ ही हो लेकिन कहने को वो अपने आप को मुसलमान कह दे, अल्फाज उनके अपने लिए इस्लाम के हैं, वो कोई काफिर नहीं है अलग से, वो कोई ईसाई और यहूदियों की जमात नहीं है, लेकिन ऐसा क्या हुआ था या क्या ऐसे मसले पेश आए थे कि जिसकी वजह से हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु नऊज़ु बिल्लाह यहाँ पे शहीद हो गए। अब जरा इस वाकिए को समझने के लिए इस्लामी तारीख को बिल्कुल शुरू से समझिए, तब आपको इस वाकिए का पस मंजर समझ में आएगा और ये अंदाजा लगेगा कि हजरत हुसैन की शहादत दरअसल हुई क्यों थी। चुनाचे हजरत हुसैन रदी अल्लाह अनु की शहादत का वाकिया समझना है तो आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर से शुरुआत कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम का जो इंतकाल हुआ वो हिजरी सन के एतबार से, ये जो हमारे यहाँ एक इस्लामी सन से चलते हैं हिजरी सन जिसे बोला जाता है जो अभी कल परसों नया शुरू हुआ है, तो हिजरी सालों के एतबार से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ है 11 हिजरी में। कौन से सन में? 11 हिजरी में। सबसे पहली ये बात याद करें 11 हिजरी में हुजूर का इंतकाल, और 11 हिजरी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद खलीफा बने कौन? हजरत अबू बकर। और हजरत अबू बकर का जो इंतकाल हुआ है वो कौन से सन में? सन बता चुका हूं आप हजरात को पहले, कई बार ये जिक्र आ गया है यहां पर। कोई एक बंदा जवाब दे। जी हजरत अबू बकर का इंतकाल कौन से सन में? माशाल्लाह ये हाल है। अभी नचवाना शुरू करूं ना तो सारे नाच लेंगे, समझ रहे हैं ना? अगर अभी नचवाना शुरू करें तो सारे बंदे नाचने को तैयार हो जाएंगे, इतने तो हम बेगैरत हैं आला दर्जे के। आप यकीन जानिए मेरा दिल नहीं कर रहा था आज यहां पे बयान का, इतना सा भी नहीं, इरादा ही नहीं था। पहले इरादा फिर मुलतवी हो गया कि रहने दो। जब किसी कौम को यही मंजूर है कि हमें जानवर ही बनना है तो उसको इंसान फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकती। नबी भी आ जाए वो भी नहीं सुधार सकते ऐसों को जो जबरदस्ती गधा बनना चाहे।
लेकिन ये मजलिस जो है ऐसी नहीं है कि मैं इसमें इसके ऊपर मुकम्मल कलाम करूँ। इंशाअल्लाह किसी मजलिस के अंदर इस मसले पे तफसीली कलाम करूँगा कि हम जो आला क्वालिटी के बग़ैरत और बेहया हो चुके हैं, हमारा क्या हाल है और हम किस लेवल पे अल्लाह के यहाँ शुमार होंगे जो हम ये हर मिनट पे नंगा ना शुरू कर देते हैं। ये जो अल्लाह के कलाम रखे हैं ना यहाँ पे मस्जिद के अंदर भी कुरान पाक, लानत भेजते होंगे ये ऐसे कमीनी कौम के ऊपर, लानत उतरती है यकीन जानिए। होंगे क्या, यकीन से कह रहा हूं, लानतें उतरती हैं जिस बदतमीज कौम को इतना ना पता हो कि मस्जिद का क्या अदब है। अल्लाह का कलाम तक हिल जाता है जब आपके डीजो की आवाजें गूंजती हैं। शर्म नहीं आती हमें और आपको एक लम्हे के लिए भी? सारे बेगैरत हैं क्या? एक इंसान भी शर्म वाला गैरत वाला हमारी कौम में बाकी नहीं बचा। हम और आप जरा सा नहीं सोचते कि हम कितने थर्ड क्लास हो गए। क्या मतलब बनता है फिर हमारा हुजूर की सीरत सुनने का? रंडियों का नाच ही देखना है तो वही जाके देखे ना, फिर इन कामों का क्या फायदा हमें? बड़ा फखर होता है ना ये सारे काम कर करके, सरों के ऊपर वो बोरे उठा उठा करके घूमेंगे कि बड़े जमात के दाई हैं, पूरी कौम की इस बंदे को फिकर है, और वही खड़ा हो करके रात को रंडियों का नाच देखेगा, उसे शर्म नहीं आती खड़े हो करके कि क्या हरकतें कर रहा हूं। पूरा इतना बदतमीजी का माहौल और इलाका के सोच नहीं सकते। आज मैंने यकीन जानिए ना तो मेरा दर्स का इरादा था, मैं इतना जोर दे करके बैठा हूं कि आप सोच नहीं सकते। फिर ये भी इरादा हुआ कि आज से नमाज यहां की खत्म कर देता हूं, मुझे नहीं जरूरत है इमामत की। क्या करना है ऐसी जगह पे नमाजें पढ़ा के? मैं कोई पैसों के लिए इमाम बनाऊं यहां पर? कोई तनख्वाह का मसला है हमारा? सिर्फ और सिर्फ ये मामला है कि दीन सिखाना। लेकिन जब हम तैयारी ना हो सीखने के लिए और हमने ये इरादा कर लिया कि तुम भोगते रहो जो तुम्हें भोगना हो, हरकत हम वही करेंगे क्योंकि हम आला दर्जे के जलील हैं, तो फिर क्या फायदा किसी को समझाने से? इतना ज्यादा जितना अब तक यहां समझाया जा चुका है, अगर कुत्तों को भी समझाया जाए, जानवर को भी समझाया जाए ना, खोपड़ी में उतर जाएगा उसकी भी। लेकिन हमें शर्म नहीं आती है इन हरकतों से, इतना सही एहसास नहीं होता कि हम क्या हरकतें कर रहे हैं। कितनी लानत उतरती होगी कि जब रब का कुरान भी हिलता होगा तुम्हारे बैंड बाजू के ऊपर, मस्जिद के अंदर रखे हुए कुरान भी दहल जाते होंगे। शर्म नाम की हमें चीज नहीं आती कि दुनिया और सारा शहर आपको एक आइडियल और नमूना बना रहे, आपके यहां दीन सीखने आ रहा है, और हम इतने बड़े बगैरत एक नंबर के कि हमें एहसास नहीं इन बातों का। चाहे वो जमात से लगे हुए अफराद हो, चाहे वो मदरसों से लगे हुए हो, चाहे पहली सफ में नमाज पढ़ने वाले, चाहे जिंदगी भर सजदों में पड़े रहने वाले, अगर एक लम्हे के लिए भी ये डीजे और नाच गानों में हमारी शिरकत है, याद रखना सब भाड़ में गया हमारा, कुछ नहीं फायदा अल्लाह के यहाँ, कोई नहीं फायदा होने वाला। ये सब नौटंकी है हमारी जो हम ये जमात के चिल्ले खींच रहे हैं, बिस्तर उठा उठा करके फिर रहे अपने कंधों के ऊपर, कोई फायदा नहीं होने वाला इन चीजों का अल्लाह के यहां। क्या रिजल्ट निकलेगा इन चीजों का? इसीलिए हम और आप सारे के सारे हैं, और ये जो बैठना समझना समझाना इसीलिए हो रहा है कि ताकि हमारी हरकतें रोजाना और गिरती चली जाएं। अच्छे खासे मस्जिदों में आने वाले, जमातों में जाने वाले, वो भी सारे बेगैरत हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं। सारी जिंदगी भी चिल्ले खींचते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला अगर इतनी अकल हमारे अंदर नहीं है कि यह हराम कारियां हैं और इन्हें हमें रोकना चाहिए। अरे जालिमों, अगर हम रोक नहीं सकते, इतने नामर्द अगर हैं कि हमारे अंदर इन हराम कारियों को रोकने की ताकत नहीं है, तो अलग तो हो जाया करें ऐसी मजलिसों से, ऐसी मजलिसों में खड़े तो ना हुआ करें तमाशा बन करके।
اگر ہم بالکل بغیرت ہو چکے ہیں، ایمان ختم ہو گیا ہمارے دلوں سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ذرہ برابر باقی نہیں ہے، تو ضرورت کیا ہے پھر ہمیں؟ اگر نہیں ہے ہمت بولنے کی تو جا کے بستر پہ پڑ جائیں، کم سے کم اللہ کے عذاب میں تو گرفتار نہیں ہوں گے۔ سارا محلہ تماشائی بن کر کے نماز پڑھی آج فجر کی، جب یہاں پر آ کر کے ڈیڑھ صف ہے سلام پھیرنے پہ، جب سلام پھیرا کہاں ہیں سارے جماعتی، کہاں ہیں سارے مدرسے والے، کہاں ہیں جو مدرسوں میں مکتبوں میں جماعتوں میں چلے چار مہینے اور مدرسوں میں یہ سات سات سال لگا رہے ہیں، کوئی مسجد کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ پوچھا کہاں ہیں، جواب ملا ناچے ہیں نا ساری رات گدھوں کی طرح، تو اب تھوڑی جاگیں گے، فجر تھوڑی اللہ پڑھوائے گا ان سے۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے میرے پیاروں، کیا اس کو کہا جائے، کیا معاملہ کہا جائے؟ یقین جانیے بالکل میرا آج دل ہٹ گیا، نہ بیان کا دل ہے نہ نماز پڑھانے کا دل ہے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے میں کسی دن ذمہ داروں کو بلا کے اب کہہ دوں کہ تم رکھو کسی اور کو، میں نہیں کر سکتا، مجھے کیا کرنا ہے ایسے؟ کتنے ہی بتا دو، کتنے ہی سمجھا دو، کتنے ہی عقل میں اتار دو، پھر وہیں رنڈیوں کے سر پہ کھڑے ہوئے ملیں گے۔ تو کیا کرنا ہے، بغیر بتائے ہوئے بھی وہیں جانا ہے، تو بتانے سے فائدہ کیا ہے؟ ویسے ہی چلے جائیں وہاں پر، یہاں پہ ٹائم ضائع کر کے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ سارے کے سارے وہاں پہ کھڑے ہوئے، ایک لمحے کو احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر بغیرت کتنی کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے، کس درجے کے ہم گر چکے ہیں۔ خالی بس پوچھنے کے مسئلے رہ گئے، اتنی موٹی موٹی پرچیوں کی گڈیاں بنا کے بھیج دو، یہ مفتی پاگل ہیں، بس مسئلے بتاتے رہیں گے، کریں گے ہم وہی جو دماغ میں آ رہے۔ یہ ناچنے والے، انہیں نچوانے والے، وہاں پہ کھڑے ہونے والے، یہ عذر نہ کوئی پیش کرے کہ اجی میں تھوڑی ہی ناچا۔ ارے ناچا نہیں تو کھڑے ہو کے ناچ دیکھ تو رہا تھا، اللہ کے یہاں ناچنے والوں میں شمار ہے اس کا بھی، کوئی عذر نہیں چلے گا اللہ کے یہاں پہ کہ یہ تھا اور وہ تھا اور یہ بہانہ اور وہ بہانہ، اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلنے والا۔ کیا فائدہ ان چیزوں کا پھر ہمارے لیے؟ جب یہاں پہ جڑنا ہوا اور یہ سارے کے سارے یہاں پہ سلسلے شروع ہوئے، آپ یقین جانیے صرف یہ ارادہ تھا میرا کہ اس علاقے میں مجھے دینی اعتبار سے بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے، چلو یہاں پہ یہ نماز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو پھر اس بہانے ذرا دین سننے سنانے کے موقع ہوں گے تو لوگ میں دین کی سمجھ آ جائے گی، صرف یہ مقصد تھا۔ ورنہ آپ یقین جانیے تنخواہ کا کوئی معاملہ ہے، آپ جتنے حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں اگر آپ یہ کہہ دو کہ آپ جو بات بتاؤ گے ہم 100% اس پر عمل کریں گے، تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں محراب میں اور ممبر کے اوپر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں، میں ابھی ساری زندگی کے لیے تنخواہ ختم کر دوں گا، ساری زندگی بغیر تنخواہ کے نماز پڑھا دوں گا، مجھے نہیں چاہیے، اللہ نے بہت نواز رکھا ہے، بہت ہے اللہ کے فضل سے، میں اس لیے تھوڑی نہ ہوں یہاں پر۔ یہ مقصد نہیں ہے ہمارے کہ خالی ہماری یہ سلسلے چلتے رہیں اور تھوڑا سا یہ سب معاملہ رہے، یہ سب نہیں ہے، صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ کسی طرح ہم لوگوں کے اندر دین پہ عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس لیے یہ کام شروع کیا گیا۔ ورنہ جو میرے قریب لوگ ہیں، جو میرے سے واقف ہیں، جو ذرا نزدیک ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میرے لیے ان تنخواہوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے میرے لیے ان چیزوں کی، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کتنا سمجھا دیا، 9-10 مہینے ہو گئے ہیں یہ باتیں بتاتے بتاتے سمجھاتے سمجھاتے، لیکن پھر وہی گندی حرکتیں جو ہیں ہماری، طبیعت بدل نہیں سکتی چاہے کچھ ہی کر لو، وہ نہیں چھوڑ سکتے اپنی گندی حرکتیں، پھر فائدہ کیا ہے ہماری ان تمام چیزوں کا، کیا فائدہ ہمارا حاصل ہو رہا ہے؟
अलग से वक्त भी यहाँ के लिए दिया जाए, नमाजों के लिए भी वक्त दिया जाए। ये प्रोग्राम भी चल रहे हैं, इतने बयानात भी चल रहे हैं, सारे सिलसिले यहाँ पे हो रहे हैं, फायदा क्या इन बातों का? फिर कर रहे हैं हम वही जो हम चाहते हैं, तो फिर तो इन सब चीजों को बंद कर देना चाहिए, ताकि जो हमारे वही जिंदगी चल रही है जानवरों वाली, वही बेहतर है हमारे लिए। फायदे ही जब कुछ नहीं है इलाके को। इतना दिल दुख रहा था सुबह जब नमाज का सलाम फिरा, सिर्फ डेढ़ सफ यहां पे बैठी हुई है, बाकी सारे गायब हैं, सारे गायब हैं, कुछ नहीं पता। सब आजाद हैं, सब बख्शे बख्शाए हैं, सबको नाच गाने की बड़ी फिक्र है। उसमें बड़ा मजा आता है कि रात के 3-3 बजे तक हम नाच देख रहे हैं, और बड़े बड़े अल्लाह वाले जो कहलाते हैं वो भी बदमाशी पे उतरे हुए हैं, वो भी नाच रहे हैं। जो बड़े अच्छे दीनदार भी कहलाते हैं मोहल्ले के हाँ ये दीन से जुड़े हुए हैं, वो भी नाचने लगे। अब रह क्या गया हमारे लिए मसला? अब हमारा मामला बाकी क्या रह गया? जब हम और आप अपना जमीर इतना गंदा कर चुके हैं, और हमें इतना सा भी एहसास नहीं रहा कि हमारा मामला क्या है, और क्या बताया जा रहा है, क्या बातें हम सुन रहे हैं। यही हमने ताइफ के वाकये सुन के इबरत पकड़ी कि हमें नंगे नाच देख रहे। नबी ने ये जो कुर्बानियां दी थी खाली कानों को मजे देने के लिए सुना था, क्यों सुन रहे हैं हम और आप ये सारी की सारी बातें? फायदा क्या है हमारी इन सारी बातों के सुनने का? हम गौर करें मुसलमानों, ये हद दर्जा हमारी जलालत है। मैं क्या लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करूं? आप यकीन जानिए, जब से मेरे इल्म में ये कैफियत फजर की नमाज से आई है, इतनी बेचैनी है, इतनी बेचैनी, मैं अपने अल्फाज में उसको जिक्र नहीं कर सकता, नहीं कह सकता कि मुझे तकलीफ किस कदर की हुई है। और मैं ये सोचता हूं कि मेरी कोई औकात नहीं है कि हम और आपके असल मुरब्बी और मोहसिन सरवरे दो आलम जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें जब पता लगता होगा उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। हम जरा ये सोचें, हर दिन यही हरकतें बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। हमें और आपको इतना सा भी एहसास नहीं है कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमें क्या करना है। नींद नहीं आ रही थी तो ये मतलब नहीं है कि जाकर के वहां तमाशा बन के खड़े हो जाओ, अपने बिस्तर पे पड़े रहते, लानतें भेजते उन नाचने वालों पे, ये काम था हमारा। अपने बिस्तर पे पड़े रहते, उनके लिए या तो हिदायत की दुआ करते, वरना कहते अल्लाह अगर हिदायत है तो सुधार दे, वरना बेड़ा गर्क कर दे इन सब का। ये जुमला कहना चाहिए था हमें। कितनी अजियत मुसलमानों को होती है, कितनी शर्मिंदगी होती है, कितना अल्लाह के घर की तौहीन होती है। क्या इन नाच गानों की आवाजें इस बाबरकत घर में नहीं आती, इन घरों के अंदर नहीं पहुंचती? मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि मैं बहुत बड़ा अल्लाह वाला हूं, मैं खुद गुनाहगार हूं, हम सारे के सारे गुनाहगार हैं। लेकिन मेरे भाई, एक गुनाह वो होता है जो बंदा गुनाह समझ के छुप करके शर्म के साथ करता है, और एक होता है ढीठपन के साथ करना, बेहयाई खुल करके करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श देगा, लेकिन जो ढीठ बन के आदमी ने खुल्लम खुल्ला गुनाह किए होंगे, अल्लाह ऐसे गुनाहों को कभी नहीं बख्शेगा। इनके जूते पड़ेंगे जो ढीठ बन करके गुनाह करते। बंदा मुजरिम बन करके गुनाह करे समझ में आता है, दिल में एहसास हो, नदामत हो, शर्मिंदगी हो कि हाँ मैंने ये गलत काम किया, मैंने ये गुनाह का काम किया, तो समझ में आता है। लेकिन जहां बंदे के अंदर शर्म नाम की चीज खत्म हो जाए, फिर कोई मतलब नहीं बनता। किस कदर का अजीब मामला है ये हमारा, और कैसा ये मामला हमने और आपने अपने मुआशरे का किया है। मैंने कहा यहां 2-4 लोगों से, मैंने कहा कि मुझे वीडियो दिखलाओ कि कौन कौन बंदा था, मैं भी तो जरा देखूं कि कौन हजरात वहां पे नाच रहे थे। जो बड़े अल्लाह वाले बन बन करके आकर के बैठते हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां लेकर के, बड़ी कौम की फिक्र लेकर के हाँ हमारी कौम में ये हो रहा है, हमारी कौम का ये हो रहा है, मैं भी तो देखूं इतना दर्द किसके दिल में है। मैंने कहा मुझे ढूंढ के ला के दो सारी,
उनकी शक्लें देखना चाहता हूं कि कौन इतने आला दर्जे के मुनाफिक हैं कि जिनके अंदर ये हरकतें पाई जा रही हैं कि जमीर उनके हद दर्जा गिर चुके कि कितना ही समझा लो, कितना ही लान तान कर लो, सुधरने का नाम नहीं लेना, सुधरना नहीं। अब क्या मैं बताऊं आपको, मैं बिल्कुल भी तबीयत मेरी नहीं चल रही, ना ही मैं आपसे बातें कर पा रहा हूं, ना ही मेरा इरादा और दिल हो रहा है। आप ये चीज समझ लीजिए कि जो चीज हमारी जिंदगी का मकसद है, मकसद है, खाली अगर मेरा मकसद जिंदगी का ये होता कि खाली मुझे पैसा चाहिए तो फिर कोई मसला नहीं था, फिर कोई मसला नहीं, फिर कोई कुछ ही करता रहे, फिर मुझे अगर पैसा मिल रहा है मैं पड़ा रहता। लेकिन अगर मेरी जिंदगी का मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद कुछ और है, और फिर वही मकसद हासिल ना हो तो हमें तो लगेगा ना कि हमने अपना वक्त जाया कर दिया, 9 महीने हमारे खाक में चले गए और क्या फायदा कहलाएगा इसका। आदमी को यही एहसास होगा कि कोई भी रिजल्ट नहीं आया, कोई फायदा नहीं हुआ इसका। आप खुद अपने जमीर से जायजा लो कि जो बंदा सिर्फ मकसद बना के ये काम कर रहा हो, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे अफराद कदरदान भी हैं माशाल्लाह से, ना कदरे ये अपनी जगह पर, कदरदान भी अपनी जगह पर है। अब हम यहां पे चाहे एक वक्त की नमाज पढ़ाएं या 2 वक्त की पढ़ाएं या 3 वक्त की पढ़ाएं, लेकिन जो कदरदान अफराद हैं उन्हें पता है कि खाली नमाज पढ़ने पढ़ाने से मकसद नहीं है, असल फायदा हमारा दीन सीखना है, असल मकसद हमारा दीन सीखना है। और मैं भी इसीलिए लगा हुआ, सिर्फ इसीलिए लगा हुआ। लेकिन हम और आप ये जो हरकतें करते हैं, फिर पता है हमें क्या लगता है कि 10 महीने और हमारा 1 साल बिल्कुल मिट्टी में मिल गए, ऐसा महसूस होता है इन हरकतों के देखने के बाद में। और कोई बंदा इतनी मेहनत करे और इतना समझाए और फिर ये रिजल्ट आए तो आप बताइए आगे क्या दिल करेगा कुछ और बताने का। अब मैं आपको हजरत हुसैन की शहादत का क्या वाकिया सुना लूंगा, किस मुंह से और किस दिल से हिम्मत करूं कि जिस कौम का मुझे पता हो कि चाहे इसके सामने सहाबा के टुकड़े सुना दो, नबी के बदन से बहता हुआ खून ला करके रख दो सामने, लेकिन इसको तो डीजे पे नाचना है तो फिर ऐसे के सामने क्या फायदा हो सकता है। कितने बूढ़ों को अजियत होती है जो सोना चाह रहे हैं वो नहीं सो सकते, कितने बीमारों को तकलीफें होती हैं हमारी इन हरकतों की वजह से, कितनी वैसे ही गुनाह क्या कम है हमारे साथ में और जो हम ये सब कर रहे हैं। निकाह पढ़वा लेंगे, हाँ 3 सुन्नतें मुफ्ती साहब ने बता रखी हैं वो बड़ी याद है, जुमे के दिन हो, असर के बाद हो और मस्जिद के अंदर हो, ये 3 सुन्नतों पे अमल करके ये बेगैरती है। ये वही तो था ना मामला जिसने 3 सुन्नतों पे अमल किया था, बोलो भाई 3 सुन्नतों पे अमल कराया जा रहा है, जुमे के दिन निकाह पढ़वा लो, असर के बाद पढ़वा लो, मस्जिद के अंदर पढ़वा लो, और मुफ्ती साहब के तो इतने दीवाने के अजी इनसे ही पढ़वाना है चाहे कुछ ही हो जाए। ऐसे मुनाफिक चाहने वालों से अल्लाह मुझे बचाए, कतान जरूरत नहीं है हमें ऐसे झूठे आशिकों की, मुफ्ती साहब से पढ़वाना है, किसी भी तरह करके आप ही आए, आप ही निकाह पढ़ाएं ताकि अगले दिन हम नंगा नाच कराएं तो मोहर आपके सर पे लगे कि निकाह मुफ्ती साहब ने पढ़ाया था। शर्म ही नहीं रही हमें और आपको जर्रा बराबर। मुझे तो यकीन जानिए पता नहीं लगता, चूंकि रात में मेरा यहां रुकना नहीं होता, अगर होता और मेरे इल्म में ये बात आती तो उसी वक्त आकर के मैं भी जाता इस स्टेज पे कि अब नाचो मेरे सामने, मुझे भी नाचा लो, बस अब रह गया गया, मैं भी आ जाता देखने के लिए कि जब इतने बेगैरत हो ही गए हैं तो जरा एक वीडियो बना लो कि देखो हमने खुद तो सुधरने थे नहीं, हमने इस मुफ्ती को भी नचा लिया अपने साथ,
फिर वो वीडियो शहर भर में चल जाती, सबको तसल्ली होती कि चलो इन्होंने नहीं तो इसने तो इनकी बात मान ली, कम से कम किसी में तो है मानने का जज्बा। और अब चले जाएंगे वहां ठूसने खाना, रोटियां उतारेंगे वो हराम की रोटियां, एक एक लुकमा हराम है, लिख के ले लो मेरे से, कल को दारुल इफ्ता में जाके फतवा दे करके पूछ लो। जिस शादी के अंदर ऐसे नंगे नाच हो वहां पे फिर अगले दिन वलीमा भी हराम है, नहीं है जायज खाना वहां का वलीमा भी, चाहे वलीमा कितनी बड़ी सुन्नत हो। क्या मतलब है फिर वहां पे जायज होने का जहां रंडियों को नचाया जा रहा हो। वलीमा सुन्नत है, वो सुन्नत याद रह जाएगी हमें और आपको। एक साहब मेरे से पूछने आ गए अभी असर के बाद, दिमाग में तो यही सब चल ही रहा था, कहने लगे कि वो ये सब हुआ है अब खाने का क्या हुक्म है, खाना खा सकते हैं। मैंने कहा हराम है, हराम है, एक लुकमा भी खाना हराम है। अजी पड़ोस का मामला है, मैंने कहा चाहे बाप भी हो हमारा उसका भी लुकमा हराम है, पड़ोस क्या होता है, पड़ोस क्या होता है, चाहे मेरा बाप भी अगर ये हरकतें करे मैं उसका भी लुकमा नहीं खा सकता। पड़ोस का क्या मतलब, अल्लाह के नबी ने या शरीयत ने कहीं हमें ये कानून नहीं अता फरमाया कि तुम्हारा कोई पड़ोसी हो, तुम्हारा कोई करीब में रहने वाला हो तो उसके साथ खड़े रहना चाहे हरामकारी हो। कुरान और हदीस ने हमें कानून दिया है ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि जब रब की नाफरमानी हो तो किसी की फरमा बरदारी जायज नहीं है, कुछ ही हो कोई नाराज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इजाजत नहीं है कि हम जा करके ये अमाल करें और ये हरकतें करें। मैं सब मेरे मुखातब नहीं है, बहुत सारे हमारे भाई यहां ऐसे बैठे होंगे कि जो गलत भी समझ रहे होंगे और नहीं भी गए होंगे, बचाया भी होगा, लेकिन मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं। मैंने तो ये वो बातें आपके सामने जिक्र कर रहा हूं जिससे तकलीफ और अजियत पहुंची है, क्योंकि ये हुआ है यहां पर, इसलिए ये बातें मैं रख रहा हूं आपके सामने कि आखिर अब किसके समझाने से हम समझेंगे। आप मुझे उसका नाम दे दें ताकि मैं यहां इमामत से हट करके उस अल्लाह वाले को लाके खड़ा करूं कि भाई मैंने तो अपनी कोशिश पूरी कर ली, ये कौम अब सुधर नहीं रही, अब ये आप ही सुधार सकते हैं, अब आप ही नाम बता दें तो हम किसी से दरख्वास्त कर लें। कौन ऐसा बंदा हो सकता है जो अब आकर के सुधारे, समझा सके किसी को, बता सके किसी को। सारे के सारे इन्हीं हरकतों में मुब्तला हो रहे हैं। जरा मेरे भाई अंदाजा लगाओ और एक लम्हे के लिए सोचो, जब किसी सिर्फ समझाने वाले के दिल को अजियत होती है तो फिर उस नबी को कितनी तकलीफ होगी जिस नबी की यह शरीयत है, जिस नबी की ये शरीयत है। काहे का फिर हमारा दीनदार बनना, काहे का फिर हमारा हज और उम्रे करना, काहे का हमारा तहज्जुद और इशराक और अवाबीन पढ़ना, काहे का हमारा जमातों में जाना अगर हमें ये नंगे नाच पसंद आते। सब खत्म हो जाता है मेरे भाई, सब खत्म हो जाता है। एक है गुनाह आदमी छुप करके कर रहा है, दिल दुख रहा है उसका, वो एक अलग बात है। फिल्म देख रहा है, छुप करके देख रहा है, गुनाह वो भी है, लेकिन उसको कम से कम दिल में शर्मिंदगी है, छुप रहा है लोगों से, अपने गुनाह को छुपा करके कर रहा है, ये अलग नौइयत हो गई। अल्लाह दरगुजर कर देगा मामला के, चलो बंदा था, नफ्स गालिब आ गया, छुप करके गुनाह कर लिया, लेकिन ऐसा दीनदार किस काम का जो रोड पे नाचने आ जाए या नाचने वालियों को खड़ा होकर के देखे और उन पे खड़ा होकर के पैसे लुटाए, जिसकी जेब से मस्जिद के नाम पे 10 रुपए ना निकले वो उन रंडियों के ऊपर पैसा लुटाए, उससे ज्यादा बदबख्त कौन हो सकता है, उससे बड़ा बेगैरत कौन हो सकता है। सोच भी नहीं सकता था मेरे भाई के यहां आप लोग ये हरकत करेंगे, मेरे तसव्वुर में भी नहीं था।
ख्याल भी नहीं था कि यहाँ पर और इस जगह पर यह हरकत हो सकती है। यकीन जानिए सारी हदें पार, सारी हदें, सारी लिमिट, कोई मतलब नहीं रह जाता फिर सहाबा की और नबी की और फुला की और फुला की कुर्बानियों का, जब हमें और आपको इसी नहज पे चलना। जमाती भी नाच रहे, मदरसे वाले भी नाच रहे, हाजी जी भी नाच रहे, उन नाचने वालों में, तमाशा देखने वालों में कई हाजी भी खड़े हैं बेगैरत, दाली वाले भी खड़े हैं। अरे अल्लाह के बंदे, शर्म कर लेता वहां पे नबी की सुन्नत को लेकर के उन जानिया औरतों को देख रहा है खड़े होकर के और वाह वाह कर रहा है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि ये जो जानिया औरतें हैं ना, जो ये नाचने वाली औरतें हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह इन्हें जहन्नम के अंदर बालों के बल लटकाएगा और ये जहन्नम में नंगी लटकेंगी और इनकी शर्मगाहों से, जिस शर्मगाह पे मर रहे हो ना, जिस कमर पे मर रहे हो, जिस डांस पे मर रहे हो, उसी शर्मगाह से अल्लाह इतना बदबूदार पानी बहाएगा, इतना बदबूदार पानी बहेगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहन्नमी अल्लाह से कहेंगे, या अल्लाह जहन्नम का अजाब इतना तकलीफ नहीं पहुंचा रहा जितना इसकी शर्मगाह के पानी के बदबू से तकलीफ हो रही, इतना बदबूदार पानी। और हुजूर ने आगे फरमाया कि जहां उसकी शर्मगाह से वो पानी बह रहा होगा, नीचे उनके ये आशिक खड़े होंगे जो उनको देख करके तालियां बजाते हैं, नीचे वो आशिक होंगे, वो इनके चाहने वाले खड़े होंगे और इनके मुंह को चीर दिया जाएगा और वो सड़ा हुआ बदबूदार पानी इन औरतों की शर्मगाह से निकल के सीधा इन आशिकों के मुंह में घुसेगा, पिएंगे ये उसका शर्मगाह का पानी। उसी को तो देखने खड़े हो रहे थे ना वहां पर, बड़ा मजा आ रहा था देखने में उसे, तालियां बजाई जा रही थी। जिस दिन उस शर्मगाह का पानी मुंह में आएगा, बंदे को अकल आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा था, किन चक्रों के अंदर पड़ा हुआ था। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सारा का सारा सीधा मुंह के अंदर उतार दिया जाएगा। एहसास नहीं है हमें हम कितने लापरवाह हैं, क्या कोई कहेगा, क्या क्या असर पड़ेगा किसी पर, किसी की ज़हनियत पे क्या असर पड़ेगा, कैसी दीन की मेहनतें हो रही हैं, कैसी लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा कैसे खतरनाक दौर से गुजर रही है, लेकिन हमारा शैतान है जो सुधरने को तैयार नहीं। क्या हाल उम्मत का हुआ पड़ा, हर तरफ से पिटाई, हर तरफ से पिटाई, हर कोई मार रहा है, हर शख्स पीटने पे लगा पड़ा है और हम और आप इन हरकतों से सुधरने का नाम नहीं ले रहे। फिर हम ये कह देते कि हमारे उलमा क्या कर रहे हैं, उलमा क्या कर रहे, ये जुमला कहना आसान है, उलमा ये नंगे नाच करा रहे हैं, आलिम ने लिख करके दिया था कि फुला फुला को बुला लो नाचने के लिए, डीजे को फुला जगह से बुक कर लो, ये उलमा ही तो बंगा के दे रहे हैं ना सारी चीजें, इसका भी सेहरा उलमा के सर बांधने कि ये हमारे उलमा कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें मेरे भाई, अब मैं आगे क्या आपके सामने बातें करूं, आप यकीन जानिए बिल्कुल भी तबीयत नहीं चल रही और जो तकलीफ है वो मैं आपके सामने अल्फाज नहीं है बताने के, जो अल्फाज मैं आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मेरी तकलीफ और मेरे दर्द की इंतहा है, क्योंकि जिस मकसद के लिए यहाँ हमने इतना वक्त लगाया, एक साल होने जा रहा है, जब बंदे को ये नजर आए कि मामला सिफर बटे सिफर है तो फिर कोई फायदा नहीं होता इतनी मेहनत कहीं करने का, कोई फायदा नहीं है, फिर कोई रिजल्ट नहीं है उसका। क्या करेंगे हम और आप अगर इसी तरह से जिंदगी रखेंगे, हर तरह से हमने समझाया आसान अंदाज में, मोहब्बत से, प्यार भरे लहजे से, सख्ती से, नरमी से,
तंज के अंदाज में हर तरह से बता चुके, लेकिन जब असर ही नहीं हो रहा तो आगे मैं नबी के नवासे की वो मजलूमाना शहादत किन अल्फाज में सुना सकता हूँ आपको कि जिस कौम का कल ये हाल था कि वो इस वक्त में नाचने में लगी पड़ी थी, आज वो कौम हजरत हुसैन की शहादत को कैसे समझेगी, कैसे उसको हजरत हुसैन की शहादत समझ में आएगी, कैसे पता लगेगा कि नबी के नवासे को किस दर्दनाक अजियत के साथ में खत्म किया गया, शहीद किया गया। हमें तो नाचने से फुर्सत नहीं है। हम इस्लामी साल का आगाज एक मुहर्रमुल हराम कल थी, इस्लामी साल का आगाज नाच के कर रहे हैं। हमारा साल कैसा गुजरेगा उसका अंदाजा लगा सकते, साल की शुरुआत हम नाच के कर रहे हैं। और पता है ये यकुम मुहर्रमुल हराम वो तारीख है जिस तारीख में मेरे प्यारे नबी के जानिसार सहाबी हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई थी। उधर इस्लामी तारीख में उमर इब्नुल खत्ताब जैसा आदमी दुनिया से रुखसत हो रहा है और हमें ये डीजे पे नाचने की फिक्र लगी पड़ी है और नंगे दांच के चक्कर में लगे हैं। हम जरा सोचें कि दिलों में एहसास तो क्या होता कि आज की तारीख से जुड़ी हुई कितनी अहम बातें, कितने अहम मौके चल रहे हैं, मेरे नबी इस मुहर्रम के महीने के बारे में कैसे कैसे फजाइल बयान कर रहे हैं और ऊपर से हम ऐसी हरकतें करके इस माह मुबारक का एहतराम कर रहे। अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर मुहर्रम के बारे में फरमाया, रमजानु शहरी शाबानु शहरी व रमजानु शहरुल्लाह। दूसरी जगह फरमाया, अफजलुस्सियामी बादा रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये रमजान के बाद में सबसे ज्यादा फजीलत का रोजा अगर कोई हो सकता है तो वो अल्लाह के महीने का रोजा है। अल्लाह के महीने का, अल्लाह का महीना कौन सा? अल्लाह का महीना हुजूर ने फरमाया मुहर्रम। मुहर्रम अल्लाह का महीना करार दिया है हुजूर ने। इसकी निस्बत देखे कितनी ऊंची, कितनी आला है इसकी निस्बत, और हम उस निस्बत का क्या एहतराम कर रहे हैं, क्या हम अपना अमल पेश कर रहे हैं, वो हम और आप सारे देख रहे हैं। बहुत जोर डाला मैंने तबीयत के ऊपर जब से मैं ये सोच रहा था कि आज मैं इस टॉपिक को नहीं शुरू करूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं करूंगा, हजरत हुसैन का जो जिक्र चल रहा है बस उसी पे बात करूंगा, लेकिन यहाँ बैठने के बाद भी मेरी तबीयत से रुका नहीं गया और ना ही वो जिक्र मेरे शुरू करने की हिम्मत हुई, और यही चीज़ मेरे दिमाग के अंदर अटकी हुई है, इसलिए ना मैं वो जिक्र शुरू कर पाया और वही बातें जो जहन के अंदर थी वही आपके सामने आ गई है सारी। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों जरा इबरत लो, सोचो कि आखिर कौन सा वो दिन आएगा या कौन सा वो मरहला होगा कि जब हम सुधरेंगे, या कौन ऐसा, अब मेरे नबी तो दुनिया में नहीं आ सकते, अब मेरे नबी जैसे लोग दुनिया में नहीं है, सहाबा जैसे नहीं है, जैसे भी हैं निकम्मे कह लो, नालायक कह लो, अधूरे कह लो, जाहिल कह लो, जैसे भी हैं, अब यही उलमा है जो कुछ दीन सिखा सकते हैं, चाहे कितने भी निकम्मे सही हैं, लेकिन हैं अब बहरहाल यही जो दीन सिखा सकते हैं। अब आसमान से कोई नबी नहीं आएगा, अब ना कोई सहाबी दुनिया में है, ना कोई अब सहाबी बनेगा, अब तो जो हैं यही है, यही सिखा सकते हैं, और अगर हम वहाँ भी नहीं सीखने को तैयार तो अब या तो फिर एक आखिरी चीज़ है कि अल्लाह का अज़ाब ही रह जाता है कि जो हमें समझ पैदा करा सके, और ये चल रहे हैं, ये अल्लाह के अज़ाब हैं, ये अल्लाह की पकड़ है कि अल्लाह हमें मस्जिदों से महरूम कर दे, अल्लाह हमें रात का वक्त, इतना बाबरकत वक्त, इतना बाबरकत महीना, नाच गाने में अल्लाह हमारा गुजरवा दे, इससे बड़ा अजाब और क्या होगा। ये भी तो अल्लाह का अजाब ही है कि हम इतना बाबरकत वक्त और ऐसी खुराफात के अंदर जाए कर रहे हैं, ये भी अल्लाह का अजाब है।
खाली अल्लाह का अजाब यही नहीं है कि हम लंगड़े लूले अपाहज हो जाएं, अल्लाह का अजाब ये भी है हमारे ऊपर कि अल्लाह हमें हराम कारियों में लगा दे, हमें एहसास ना हो कि हम किस नबी के उम्मती हैं। हुजूर बार बार फरमाते थे, आपका इरशाद था, बुइस्तु लिअक्सिर अल-मज़ामीर, हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह ने गाने बजाने को खत्म करने के लिए भेजा। हुजूर कहते थे कि मैं तो आया ही सिर्फ गाने बजाने को खत्म करने के लिए, क्या पता था अल्लाह के नबी को कि मेरी उम्मत के आम आदमी, तो आम आदमी जो दीन से जुड़े हुए लोग हैं, ये ही सारे के सारे नाचने लगेंगे, अल्लाह के नबी को क्या मुंह दिखाएंगे हौज़े कौसर पे, क्या हमें मरना नहीं है, क्या हमें पता है कि हमारी मौत कब आएगी, कि हम जाने से पहले तौबा कर लेंगे, इतना यकीन है अपने ऊपर कि अभी हम मरेंगे नहीं, अभी हमें वक्त मिलेगा, अभी हम तौबा करेंगे, अभी हम सुधर जाएंगे, क्या यकीन है हमें और आपको, फिर किस जुरत पे और किस हिम्मत के ऊपर हमसे ये गुनाह होते हैं। शादियों में वैसे ही गुनाह बहुत हैं, मर्द और औरत सारे एक जगह मिले हैं, रस्म और रिवाज हो रहे हैं, मंडे हो रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, दुनिया भर की रस्में हो रही हैं, वो गुनाह क्या कम थे जो हम ये भी साथ में कर रहे हैं। और हर चीज तो बताइए, हर चीज तो बताइए, अगर मेरे समझाने में कोई कमी हो तो मुझे बताएं आप, अगर मेरे बताने में कोई कसर रह गई हो तो मेरे से बता देते, मैं फिर और अलग अंदाज में बता देता, नहीं समझ में आया था दोबारा पूछ लेते, लेकिन पता तो लगे कि आखिर हमारी तरबियत में कमी कहाँ है, क्यों नहीं हम आखिर समझ के देते, और क्यों नहीं हमारे जहन के अंदर ये मोटी मोटी बातें आती, और क्यों हम हर गुनाह के मौके के ऊपर गुनाह के अंदर नंबर एक पे खड़े हुए नजर आते हैं। कितने मुबारक सिलसिले चल रहे हैं, मुहर्रम का, नबी के सहाबा का, उधर हुजूर के किस्से, उधर नबी का गम का साल सुन रहे थे आप हजरात, तो जिसमें नबी को लगातार गम का सामना करना पड़ा, यही सिला हमने उस गम का दिया। नबी की इतनी कुर्बानियां सुन के अगर ये रिजल्ट हम दे रहे हैं तो फिर हम सोचेंगे हम क्या कर रहे हैं, क्या मामला है फिर हमारा अल्लाह के यहाँ। इसलिए मेरे भाई फिक्र कीजिए अपनी, इन मजलिसों को खाली रस्मी ना लीजिए, और यहाँ हमारा रहना, यहाँ पे आना, इसको सिर्फ हमारा आना ना समझिए। जिस दिन मुझे ये लगेगा, और अब लग रहा है अगर, कि यहाँ पे कोई फायदा हमारा नहीं है, तो यकीन जानिए फिर चाहे महीने के 50,000 भी देना, अल्लाह की कसम कभी जिंदगी में नहीं आ सकते, हमें नहीं जरूरत है, कोई नहीं चाहिए हमें, हमें फायदा किया इन बातों का, अल्लाह ने हर नेमत दे रखी है, सिर्फ इसलिए ये सिलसिले चला रखे हैं और कोशिशें चल रही हैं कि किसी तरह हम दीन पर आए, दीन की बातों को सुने। इतनी तफसील में क्यों बता रहा हूँ, इतनी डिटेल क्यों कर रहा हूँ, इतनी मेहनत क्यों हो रही है आपके लिए, सिर्फ इसलिए ताकि बात जब जरा तफसील से आएगी तो अमल आसान हो जाएगा, शौक पैदा हो जाएगा, और वो ही सब होने को तैयार नहीं है तो फिर क्या फायदा हमारी इन चीजों का। बस अब अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह हम लोगों को सुधरने की और तौबा की तौफीक अता फरमाए, आगे अल्लाह ने हिम्मत दी और कुव्वत दी तो इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते देखूंगा कि कुछ बात अगर अर्ज की गई तो बेशक अर्ज करेंगे, वरना तो ये जहन में बिठाएं कि आप अगर अमल करते हैं तो हमारी हिम्मत डबल हो जाती है बताने की, डबल हो जाती है, ऐसा लगता है कि इन्होंने पता नहीं कितनी बड़ी नेमत हमें दे दी, अगर अमल होता है बातों के ऊपर, और अगर अमल नहीं होता है तो जितनी हिम्मत है सब पस्त हो जाती है, फिर जो कर रहे हैं वो भी करने का मामला नहीं रहता। तो इसलिए ज़रा अपनी ज़िंदगी को सही कीजिए, रुख सही अपनाइए, और इस लावालीपन से और इस लापरवाही वाली ज़िंदगी से अपने आप को बचाइए। और जो ये बातें मैंने अर्ज़ की हैं, इसकी ये सारी बातें जो यहाँ नहीं आए हैं उन्हें भी जाकर के सुनवाइए, ताकि उन्हें पता लगे, ज़मीर जागे हमारा कि हम और आप शरई एतबार से कैसा जुर्म कर रहे हैं और अल्लाह के कैसे मुजरिम हैं, ताकि किसी को हो सकता है अल्लाह इस तरह की बातों से समझने की तौफीक अता फरमा दे।
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دعا کر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله آپ رحمان و رحیم ہیں, يا الله آپ بڑے کریم ہیں. اللہ آپ نے ہمیں کروڑوں نعمتیں بغیر کسی حق کے عطا فرمائی ہیں. اللہ ہم آپ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ جہاں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اللہ آپ نے اپنی نعمتوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن اے اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ ہم نے قدم قدم پہ آپ کے حکموں کو توڑا ہے. اللہ آپ کو ہم نے ناراض کیا ہے. اللہ ہم نے چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ کیے ہیں. اللہ ہم نے ساری زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے. اللہ ہم نے ساری زمین کو گناہ آلود کر دیا ہے. اے کریم اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. اللہ ہمیں سدھار دے. اللہ ہمیں سدھار دے. اللہ ہمیں سدھار دے. اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے. اللہ جیسی حرکتیں اور اعمال ہمارے, اللہ اللہ ایسی حرکتوں پہ پچھلی امتوں پہ آپ نے عذاب بھیج دیا تھا, وہ ساری امتیں برباد کر دی گئی تھی. یا اللہ یہ تو ہمارے نبی کی دعائیں ہیں جو آج ہم زندہ ہیں. اللہ اللہ رات کا جب وہ آخری حصہ ہوتا ہے, جب آپ اعلان کرتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, اللہ ہم اس وقت بھی بے غیرتی میں لگے ہوتے ہیں. اللہ آپ اعلان کرتے ہیں اور ہم یہاں ناچتے ہیں. اللہ آپ اعلان کرتے ہیں مغفرت کا اور ہم یہاں پہ لڑکیوں کا ناچ دیکھنے میں مشغول رہتے ہیں. اللہ اس وقت میں یہ زمین بھی چاہتی ہوگی کہ پھٹ کے ہمیں اپنے اندر اتار لے. اللہ لیکن آپ نے ہمیں نبی کی دعاؤں کی وجہ سے آج زندہ رکھا ہے. اے کریم اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا. اللہ ہمیں نبی کی قربانیوں سے کچھ عبرت لینے والا بنا. اللہ اللہ ہمیں نبی کی زندگی سے سیکھنے والا بنا دے. اللہ اللہ ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں غیرت پیدا فرما دے. اللہ جو یہ دل مردہ ہو چکے ہیں, اللہ ان کے دلوں کو جگا دے. اللہ جو یہ بے غیرتی آ گئی ہے, اللہ اسے ختم فرما دے. اللہ اس بے حسی کو ختم فرما دے. اے میرے مالک, ان بری حرکتوں کے ساتھ میں کس منہ سے حوض کوثر پہ نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے. اللہ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں سدھرنا آسان فرما. اللہ اللہ پورے علاقے میں دین کو زندہ فرما. اللہ رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرما. اللہ رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اللہ ہم نے آپ کو ناراض کر کے دنیا کو بہت راضی کیا ہے. اللہ ہمیں ہر ایک کو خوش کرنے کی فکر ہے اور ہم ہر ایک کے چکر میں آپ کو ناراض کر دیتے ہیں. اللہ جس وقت میں ہم وہ ناچ دیکھ رہے تھے, اللہ آپ چاہتے تو ہمیں اندھا بھی کر سکتے تھے. اللہ آپ چاہتے تو ہماری آنکھوں کی بینائی بھی چھین سکتے تھے, لیکن اللہ آپ کتنے کریم ہیں, آپ نے اتنی حرام کاریوں کے باوجود ہمیں ہماری نعمتیں دے رکھی, ہم سے نعمتیں واپس نہیں لی. اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما.
अल्लाह इन नेमतों की कदरदानी नसीब फरमा, अल्लाह इन नेमतों की कदरदानी नसीब फरमा, अल्लाह हम सबको मरने से पहले तौबा नसीब फरमा, अल्लाह हमें मरने से पहले तौबा नसीब फरमा, अल्लाह हमें मरने से पहले तौबा नसीब फरमा, अल्लाह हमने इस मजलिस में जो मांगा है अता फरमा, और जो ज़रूरी हो ए अल्लाह बग़ैर मांगे सरवरे दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में आता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बल आलमीन।